चैप्टर वन रियल नंबर इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहले हम रियल नंबर के बारे में बात करते हैं। रियल नंबर के अंदर डिफाइन और अनडिफाइन वाले सभी नंबर आ जाते हैं। डिफाइन वाले नंबर जैसे -1, -2, -3, 1, 2, 3, 2/3, 5/4, ये सभी नंबर डिफाइन होने वाले हैं। और अनडिफाइन नंबर्स रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ सकता है, और रिपीटिंग नंबर जो कभी कंप्लीट ही ना हो। जैसे आपने देखा होगा कभी डिवीजन की होगी कि वो डिवीजन कंप्लीट नहीं होती, नंबर अगेन एंड अगेन एंड अगेन आने लगता है, उसे अनडिफाइंड नंबर कहते हैं। वो सभी नंबर इसके अंदर आते हैं। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको डिफाइन वाले सभी नंबर दे दिए जाते हैं। और रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और नीचे वाला नंबर जीरो के इक्वल नहीं होता। जैसे 2/3, 6/9, 7/9, और नंबर -1, -2, -3, 1, 2, ये सभी नंबर रेशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं। इरेशनल नंबर को हम अनडिफाइंड नंबर कहते हैं, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाते हैं, √7, √5, 8.688, रिपीटिंग नंबर जो आ जाते हैं, सभी रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। इसके बाद 9th सेंचुरी पेरिशियन का एक मैथमेटिशियन, फेमस मैथमेटिशियन जिसका नाम अल-ख्वारिज्मी था। इस अल-ख्वारिज्मी एक ऐसा मैथमेटिशियन था, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी क्वेश्चन को एक इजी वे में सॉल्व किया करता था, इसलिए इसका नाम एल्गोरिथम पड़ा था। इसके द्वारा एक बुक लिखी हुई है जिसका नाम हिसाब अल-जबर व अल-मुकाबला है। इसकी बुक के नाम पे इसका अल-जेब्रा नाम पड़ा है। एल्गोरिथम होता क्या है? एल्गोरिथम ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, एक वेल डिफाइंड स्टेप की सीरीज होती है, विच गिव ए प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विधि दी गई है, जो कि एक वेल डिफाइंड सीरीज की होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं लेमा। लेमा होता क्या है? लेमा ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। प्रूवन स्टेटमेंट का मतलब होता है कि पहले स्टेटमेंट प्रूव की गई है, उस स्टेटमेंट का यूज करके उसे अनदर वे में लिखना, यूज करके लिखना, उसे लेमा कहा जाता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर इस लेमा का यूज होता है और एल्गोरिथम का यूज होता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज दो नंबर, टू नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए यूज होता है, और यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो यूज होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट को एक अनदर स्टेटमेंट में चेंज करने के लिए लेमा का यूज होता है, जिसके द्वारा एचसीएफ फाइंड आउट होता है। आपने देखा होगा कोई दो नंबर यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है, सबसे पहले इसको फाइंड आउट करने के लिए इसमें बिग नंबर ढूंढना होता है और स्मॉल नंबर ढूंढना होता है। बिग नंबर डिवाइडेंड होता है और स्मॉल नंबर डिवाइजर होता है। हमारे पास जो यहाँ पे प्रूवन स्टेटमेंट है, तो ये अंदर वाला डिवाइडेंड होता है, बाहर वाला डिवीजर होता है, और ऊपर वाला कॉन्टेंट होता है, नीचे वाला रिमाइंडर होता है। डिवाइडेंड यहाँ पे लिखा जाता है इक्वल होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कॉन्टेंट प्लस में रिमाइंडर। यहाँ पे डिवाइडेंड माना हुआ ए और डिवाइजर माना हुआ है बी, और कॉन्टेंट मानी हुई यहाँ पे क्यू, और रिमाइंडर माना हुआ आर। रिमाइंडर जो होता है वो जीरो के बराबर है, जीरो से बड़ा, और डिवाइजर से छोटा माना जाता है। एचसीएफ निकालने के लिए हमें इस रूल का फॉलो करना होता है, हमें रिमाइंडर जब तक निकालना, हमें सॉल्व जब तक करना होता है जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द 81 एंड 237। एचसीएफ निकालना हमें इसका यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सबसे पहला स्टेप होता है कि इन दो नंबर में से देखना होता है कि बड़ा नंबर कौन सा है। अब यहाँ पे फाइंड आउट हो गया 81 और 237, तो 237 बड़ा नंबर हुआ, तो ये क्या नंबर हुआ यहाँ पे, ये डिवाइडेंड और ये डिवाइजर।
और इसको आप डिवीजन करोगे तो 162 सब्ट्रैक्शन करो 75 आ गया, रिमाइंडर जीरो नहीं आया। इस फॉर्म को हम किसमें चेंज कर देते हैं, लेमा में। तो डिवाइडेंड क्या हुआ यहाँ पे, डिवाइडेंड यहाँ पे 237, तो 237 लिखा है यहाँ पे। डिवाइजर क्या हुआ, डिवाइजर 81, तो 81 लिखा है यहाँ पे। कॉन्टेंट क्या हुई, कॉन्टेंट 2 हुई, तो 2 लिखा है यहाँ पे। रिमाइंडर क्या हुआ, 75, तो यहाँ पे 75 लिख दिया। अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आया, तो 75 इज इक्वल नॉट 0, तो दोबारा से हम इसका यूज करते हैं यूजिंग इक्वल डिवीजन लेमा का। तो यहाँ पे जो आपके पास डिवाइजर है वो क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। अब इन दोनों को आप डिवीजन करोगे, डिवीजन देखिए यहाँ पे आपने जो डिवाइजर था वो डिवाइडेंड बन गया, जो रिमाइंडर आया था वो डिवाइजर बन चुका है। आप इसको डिवीजन करोगे 75 बन जा, 75 आ गया। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करो, 6 आ गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। इसको हम इस लेमा फॉर्म में लिख देते हैं, डिवाइडेंड मल्टीप्लाई में क्वांटेंट प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, दोबारा से सॉल्व कीजिए इसको। जो आपके पास रिमाइंडर था, जो आपके पास यहाँ पे डिवाइजर बना था वो क्या बन गया, डिवाइडेंड बन चुका है, डिवाइडेंड बन चुका है, और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन चुका है। तो यहाँ पे देखिए, तो 75 आ गए यहाँ से 75 ये डिवाइडेंड बन चुका है, और ये रिमाइंडर क्या बन चुका है यहाँ पे, डिवाइजर। इन दोनों को डिवीजन करोगे, कॉन्टेंट 2 आ गया प्लस में रिमाइंडर 3 आ गया, 0 नहीं आया। तो दोबारा से यूज कीजिए अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिवाइडेंड है, डिवाइजर है वो डिवाइडेंड हो चुका है, जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर हो चुका है। इन दोनों को डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो डिवाइजर होता है, वो HCF निकल के आ जाता है। तो HCF ऑफ 81 एंड 237 इज इक्वल टू 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।